हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी में एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं नीट 2019 मतलब नीट 2019 का पेपर जिसका सेट P1 है, आप गूगल करेंगे, गूगल पे आपको मिल जाएगा LN आकाश वेदांतु वाईफाई स्टडी, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से समझ में आएगा कि जो NTA है, नीट पेपर जो बनाती है, वो कहाँ से और कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जरा सी भी परेशानी ना आए क्वेश्चंस को मार्क करने में, जब मैं आपको NCERT में क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो नीट 2019 का पेपर है उसका जो सेट P1 है उसके क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। तो आप सबसे पहले 11th क्लास की NCERT अपने सामने और एक हाइलाइटर रख लीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि आपको नीट एग्ज़ाम की या नीट 2020 या नीट 2021 की प्रिपरेशन किस तरीके से और कैसे करनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है, कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दिखाई देगा उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से ये होगा मेरी नई वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हम 11th क्लास की बायोलॉजी में पहला चैप्टर उठाते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो 144 नंबर का क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको बार बार नीट 2019 नहीं बोलूंगा, मैं सीधे क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। तो 144 क्वेश्चन नंबर आया था और इन्होंने क्या बोला था, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मैंगो है उसका करेक्टली साइंटिफिक नेम क्या है जो लीनियस ने पहली बार डिस्क्राइब किया था। अब आप देखिए कि NCERT में पेज नंबर 7 पर जहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप वहाँ पढ़िए, मैंगीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, पहले चैप्टर से सिर्फ हमारा एक ही क्वेश्चन था, अब आप दूसरे चैप्टर पर आ जाइए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। अब आपके सामने ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 160, ठीक है ना। आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन, माइकोराइजा, इनको आपको मैच करना है। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊँ तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 4। तो NCERT में पेज नंबर 22 पर ये जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है पूरा दे रखा है कि सेप्रोफाइट कौन होते हैं, पैरासाइट, लाइकेन एंड माइकोराइजा, जो भी आपसे पूछा गया है एग्जाम क्वेश्चंस में, आप उसको वहां से मैच करके कर सकते हैं। इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 159, इसमें क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए अब सुनिए, इसका भी आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है और NCERT में ये जो है पेज नंबर 22 पर ही दे रखा है, जहां ऊपर मैंने हाईलाइट कर रखा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फ्लामेंटस। तो इन्होंने क्या बोला है कि ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, और बाकी सभी फंजाई कैसी हैं, फ्लामेंटस, और इन्होंने यहां क्या दे रखा है, ईस्ट है फ्लामेंटस बॉडीज, तो ये ऑप्शन हो गया गलत और यही क्वेश्चन था सिर्फ, ठीक है ना। इस चैप्टर से जो अगला क्वेश्चन है वो 156 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्टिव होता है, इन्फेक्शियस होता है। NCERT में ये पेज नंबर आपको 26 और 27 पर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको चारों के चारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, प्लांट किंगडम चैप्टर की, यहाँ से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आया है नीट एग्जाम में, वो भी 146 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो ये पहली बार ऑब्जर्व हुआ था टेरिडोफाइट्स में, जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। जो नीचे या पूरा पैरा पढ़ेंगे जहां तक मैंने नीचे हाईलाइट किया, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, तो यही है, ठीक है ना, पहली बार इनमें ही दिखाई दिया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर में आप सबसे पहले देखिए 157 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर आपको मैच कराया गया है कि जो एग्जांपल्स दे दिए उन्होंने डिफरेंट फाइलम के, और फिर उन्होंने वहाँ पे मैच करा लिया है, ठीक है ना। तो पाइला, वॉम्बिक्स, प्लूरोब्रांचिया, टेनिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, ठीक है ना। बॉम्बिक्स में क्या है, मेल्पिगियन ट्यूबल्स, ठीक है ना।
पाइला में क्या है, रेड्यूला। कॉम्बो प्लेट है प्लूरोब्रांचिया में, तो प्लूरोब्रांचिया में हो गए कॉम्प्लेट्स, मतलब कि अब बचा टेनिया, टेनिया में फिर रह जाएंगे फ्लेम सेल्स, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 100 नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्या है, फीचर्स दे दिए गए और करेक्ट ऑप्शन पूछ लिया गया है। तो जब आप NCERT में पेज नंबर 60 पर जाएंगे, तो ये आपको टेबल दे रखी है, तो उसमें आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन तीनों में सेम होता है। ऐसे ही एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के सब में बाइलेटरल सिमेट्री है, तो आप आंसर यहाँ से नहीं पता कर सकते। सेगमेंटेशन दिया हुआ है वहाँ पर, तो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में ही प्रेजेंट होता है, बाकी मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में अब्सेंट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा और इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट चैप्टर की भी, क्योंकि एनिमल किंगडम से सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे जो क्वेश्चन आया था वो 138 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर का, क्योंकि NCERT में पेज नंबर 75 पर जो मैंने हाईलाइट किया है वो देखिएगा, द ओवरी डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरीफेरल पार्ट। और यही क्वेश्चन था हमारा, प्लेसेंटेशन पूछा था कि जो ओविल डेवलप होता है इनर वॉल ऑफ ओवरी पर और इन पेरिफेरल पार्ट पर इज कॉल्ड पेराइटल, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 170 नंबर का क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के जो फ्लोएम में क्या कम होता है या क्या कमी होती है, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा हमारा इसका 4 नंबर का, क्योंकि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होती, वहाँ पर सीव सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप यहाँ पर जो 88 पेज नंबर NCERT पर, द लेक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, डायरेक्ट उठाकर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93 नंबर का है, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये भी NCERT में पेज नंबर 94 पर रखा है, इसका आंसर होगा सेकंड नंबर का। तो NCERT में 94 पेज नंबर पर आप देखिए ये वल्लीफॉर्म सेल जो दे रखी हैं, व्हेन द वल्लीफॉर्म सेल इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड, द लीव सरफेस इज एक्सपोज्ड व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 136 क्वेश्चन नंबर है, इसमें एनुअल रिंग के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि कौन सा ठीक नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो 4 नंबर का होगा, एनुअल लिंक्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। तो इसका जो आंसर है ना वो NCERT में पेज नंबर 96 पर दे रखा है। ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 104, ये जो आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब कि चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है ना। 11th क्लास की NCERT चल रही है अभी, तो क्वेश्चन नंबर 104 है, इसका आंसर जो होता है ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ये जो आपको NCERT में मिलेगा पेज नंबर 101 पर, यहाँ पे ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। आपको सेम NCERT की लाइन्स उठकर मिल रही हैं, आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 101 नंबर का क्वेश्चन है, ये NCERT में आपको 113 पेज नंबर पर मिलेगा, ठीक है ना। आपसे जो है कि जो कॉकरोच है उसकी एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस पूछा गया है, तो देखिए आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉफ, फिर गिजार्ड और फिर जो इलियम, कोलन एंड रेक्टम मिलेगा, यही वहाँ पर ऑप्शन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर, तो ये आपको पता ही होगा कि रुडोल्फ वोल्चाउ ने ये चीज़ बोली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। NCERT में ये पेज नंबर 126 पर दे रखा है, रुडोल्फ वोल्चाउ 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से वो 110 मतलब 110 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, क्योंकि NCERT में दे रखा है पेज नंबर
134 पर कि जो लाइसोसोम होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस, जबकि वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था किससे पैकेज किससे फॉर्म्ड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एनसीईआरटी में देखा है गोल्जी एपरेटस, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा 4 नंबर का ही हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा 119 क्वेश्चन नंबर है, आपसे पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनली में डीएनए होता है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 135 पर दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में द मैट्रिक्स आल्सो पजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, पेज नंबर 136 पर आप देखेंगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा, और वहाँ पर सारे ऑप्शन में कहीं ना किसी में माइटोकॉन्ड्रिया था किसी में क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन सिर्फ ऐसा था जिसमें लाइसोसोम एंड बैक्यूल्स था, जिसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया था ना क्लोरोप्लास्ट था, और आपको पता भी होगा कि बैक्यूल्स और लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, ठीक है ना। आप एक चीज़ देखेंगे कि जो बायोमोलिक्यूल या किसी भी चैप्टर में जो टेबल्स दे रखी होती है ना कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 112 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, कौन कैनावेलिन ए इज, क्या है आंसर, हो जाए लैक्टिन है। पेज नंबर 146 पर आप जाएंगे तो ये जो टेबल दे रखी है देखिए वहां से क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। 161 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा GLUT4, GLUT4, ये भी एनसीईआरटी में आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 147 पर, ये भी टेबल से क्वेश्चन उठाया है। आप देखिए GLUT4 enables glucose transport into cell, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 114 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, मतलब पहला जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है वो ट्रू है, वी नंबर का फॉल्स है, ठीक है ना। ये जो आपको पेज नंबर मिलेगा एनसीईआरटी में 159 पर, आप जब यहाँ पर जो को फैक्टर या जो इंजाइम के बारे में पूरा पढ़ेंगे और बायोमोलिक्यूल में ही आप इंजाइम को पूरा पढ़ेंगे तब आपको इसमें से जो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको जो बी वाला ऑप्शन है ना वो पूरी तरह नहीं मिलेगा। तो आपने कहीं भी पढ़ाई की होगी या एपो इंजाइम वगैरह आपको ये जो पढ़ाए गए होंगे या तो मान लीजिए प्लांट फिजियो में या फिर बायोमोलिक्यूल में या केमिस्ट्री में, तो आपको वहाँ पे ये एपो इंजाइम क्या होता है, होलो इंजाइम क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ाई की होंगी, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन बी वाला दे रखा है ना इसको हम पता है क्या कहते हैं, कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव इंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड, इसको हम होलो इंजाइम बोलते हैं ना कि एपो इंजाइम। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद पिछले 15-20 सालों के किसी भी पीएमटी एग्ज़ाम के, चाहे वो राजस्थान पीएमटी हो, सीपीएमटी हो, एआईपीएमटी हो, XYZ, AMU, BHU, किसी के भी पेपर हो, इवन वेटनरी तक के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे मथुरा वगैरह के वो भी हो, तो आप उन सब के क्वेश्चंस को भी करिए। आपको लगे कि हाँ ये एनसीईआरटी से बाहर है तो आप क्या करिए, उसको वहीं चैप्टर में जाके एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये 108 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। G1S G2M, ये जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 163 पर आपको मिलेगा, डायग्राम में आप सीक्वेंस देख सकते हैं, अदरवाइज आपको डायग्राम के नीचे भी दे रखा है G1S G2, और इसके बाद इसके ही अगले पेज नंबर पर दे रखा है G0, जिसको क्वेश्चेंट स्टेज बोलते हैं, जहां से सेल साइकिल को एग्जिट कर जाता है, ठीक है ना। मतलब सेल साइकिल को जो प्रोसेस चल रही होती है वो उसको एग्जिट कर जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 135 नंबर का क्वेश्चन है, सेल इन G0 फेज, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा एग्जिट द सेल साइकिल। अभी जैसा हमने आपको बताया था ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 पर भी दे रखा है, दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज, मतलब कि सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है, ठीक है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर से एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि आप सोच नहीं सकते कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन होगा, हर कोई बताएगा कि वो फंजाई का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो आपको जो इस चैप्टर से मिलेगा वो 134 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा आंसर इसका 184 पेज नंबर पर, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर का हो जाएगा। तो आप देखिए 184 नंबर पर ये स्टेटमेंट दे रखा है, जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, ठीक है ना, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में वो आपको मिलेगा 153 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि जो माइक्रोलॉजी एसोसिएशन है वो आपको लग रहा होगा कि फंजाई में दे रखा होगा,
होगा, या आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ेंगे ना ट्वेल्थ में, तो लास्ट पैराग्राफ में ये दे रखा है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट बिल्कुल डिक टू लाइन उठा के जो कॉपी करी गई है वो ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट चैप्टर से करी गई है। ये जो आपको मिलेगा पेज नंबर 186 पर, यहाँ पर दे रखा है पाइनस सीड्स कांट जर्मिनेट एंड एस्टाब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजी, ठीक है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है, इसका आंसर हो जाएगा फोन नंबर बाई डायरेक्शनल। जब आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 190 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है सिंस द सोर्स रिलेशनशिप इज वेरिएबल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड दैट इज वाई डायरेक्शनल। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की मिनरल न्यूट्रिशन की। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन है, 131 नंबर का क्वेश्चन। थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट, किस में कार्य डीनाइट्रिफिकेशन कराती है। ये एनसीईआरटी में आपको 201 पेज नंबर पर मिल जाएगा। देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट बाई बैक्टीरिया सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात, इससे अगला चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट। यहाँ से क्वेश्चंस हैं कि कन्वर्जन ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्जन होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो आप पेज नंबर 229 पर आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है, जो हाईलाइट किया है मैंने उसको आप पढ़िए, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 133 वाला, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप इसके जो करेक्ट वाले ऑप्शन हैं वो तीनों के तीनों आपको मिलेंगे जहां पर सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है वहां पर, ठीक है ना। सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 134 पेज नंबर पर दे रखा है, लेकिन जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पेज नंबर 232 और 233 पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टू वैल्यू ऑफ ट्राइपालमिटिन, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2.7। ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा पेज नंबर 237 पर, 0.07 आपको दे रखा है, वो सॉरी 0.07 नहीं 0.7 आपको दे रखा है ट्राइपालमिटिन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की। यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा 167 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि पाइनएप्पल का जो है प्लांट है वो बहुत टाइम ले रहा है फ्लावर प्रोड्यूस करने में, तो हम कौन से हार्मोन का कॉम्बिनेशन, मतलब कौन से हार्मोन मिलाकर लगाएंगे जिससे कि फ्लावरिंग जल्दी हो जाए पाइनएप्पल पर, जिससे कि पाइनएप्पल जल्दी जल्दी, जब फ्लावर जल्दी बनेगा तो भाई फ्रूट जल्दी आएगा, पाइनएप्पल जल्दी आएगा, जिससे कि ईल्ड, मतलब जो इनके जो पाइनएप्पल फल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 167 का, ठीक है ना, ऑक्सिन एंड एथाइलिन। अब आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर 248 पर, तो यहाँ देखिए ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग एग्जांपल इन पाइनएप्पल, ठीक है ना। ऐसे ही आप जब जाएंगे पेज नंबर 250 पर तो आपको एथाइलिन में मिलेगा, एथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 143, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। जब आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 252 पर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर द लिप्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिप्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। तो इसमें सबसे पहले आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाया गया है। जब आप इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे क्रिप्सॉल लिवर क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 260 पर, ठीक है ना। तो आपको पेज नंबर 260 पर मिल जाएगा ये क्रिप्सॉल लिवर क्वीन का है, इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप अगला ऑप्शन जो है लिवर में है, देखिए लिवर इज लोबली कवर्ड बाय ये थिन कनेक्टिव टिश्यू शीज कॉल्ड द ग्लिसंस कैप्सूल, वहाँ पे ऑप्शन था ग्लिसंस कैप्सूल, तो लिवर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके ये जो है आपका मिलेगा 262 पेज नंबर पर, ठीक है ना। अगला है सब म्यूकोजल ग्लैंड्स ब्रूनस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस, तो ये यहाँ पे इंटेस्टाइन की बात चल रही है, इंटेस्टाइन में भी इन्होंने स्पेसिफिक दे रखा है म्यूकोस, उसकी ड्यूडिनम की बात चल रही है, तो इन्होंने जो ब्रूनस ग्लैंड है वो ड्यूडिनम हो जाएगा। अब लास्ट बचा आइसलेट ऑफ लैंगरथेंस, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनसीईआरटी में पेज नंबर 337 पर, जहाँ पर पैनक्रियाज दे रखा है। तो इन्होंने द टू मेन टाइप ऑफ सेल्स इन द आइसलेट ऑफ लैंगरथेंस और कार्ल अल्फा एंड बीटा सेल्स, ये पैनक्रियाज ऑप्शन हो जाएगा, तो मैं थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है 168 नंबर का, आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम।
सबसे पहले आप देखेंगे 260 पेज नंबर पर म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस, तो इन्होंने बता दिया गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करती है। फिर 262 पेज नंबर पर इन्होंने लिख दिया द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस, तो इन्होंने म्यूकस की बात करी, इसका मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने बात करी गॉबलेट सेल की कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड SCL। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 120, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, ये आप NCERT में जाएंगे 275 पेज पर तो आपको दिख जाएगा कि ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और यही वहाँ पर ऑप्शन ठीक है हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा घुमा दिया, कभी कभी ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे एग्जामिनर मतलब जो पेपर सेट करता है वो क्या करता है आपको फालतू में रेजिडुअल वॉल्यूम दे दिया इस क्वेश्चन में, रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई मतलब है ही नहीं। 141 जो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर पहला हो जाएगा कि जब आप NCERT में 272 पेज नंबर पर जाएंगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो होती है टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ के होती है, तो वहां पे उन्होंने टाइडल वॉल्यूम दे रखा था 500 ml और 1000 ml दे रखा था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को आप मिलाएंगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपकी हो जाएगी 1500 ml, और जबकि वहां पर ध्यान रखना रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही जब मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम वगैरह को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक बताई है बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे, तेरी वाइफ सिर्फ दो बड़े याद करने आपको हो जाएंगे, तो वहां मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ था और वहां भी रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 105 क्वेश्चन नंबर का इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही है, जब आप जाके चेक करेंगे पेज नंबर 286 पर तो आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 130 नंबर क्वेश्चन को भी इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, घुमा भी कुछ नहीं दिया, इन्होंने थोड़ा सा आपका दिमाग यूज़ करवा लिया। जब आप पेज नंबर जाएंगे NCERT में 285 पर तो आपको वहां पर दिखेगा कार्डियक साइकिल में जब वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप होता है वो 70 ml होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और इन्होंने बोला है कार्डियक आउटपुट क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम को इनटू हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें, तो वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में हार्ट रेट पूछी है आपसे। ठीक है ना, तो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट आपको दे दिया 5 लीटर, और इन्होंने ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल एंड द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अरे तो इन्होंने क्या किया सिस्टोल के टाइम पे दे दिया डायस्टोल के टाइम पे दे दिया, तो यहां से आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लेंगे 100-50 करके, जब आप 100-50 करेंगे तो 50 ml हो गया, तो वहाँ पर आपका है 5 लीटर, तो 5 लीटर को ml में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना, 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे 5000 ml इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ हार्ट बीट इनटू 50 ml, तो 50 ml से आप डिवाइड करेंगे तो 5050 से डिवाइड होगा 100 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 130 का थर्ड नंबर का ऑप्शन। ठीक है ना, 100 beats per minute आएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है, तो इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहले 132 है, तो 132 का आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, जब आप NCERT में 296 पेज नंबर पर या 297 पर जाकर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वहां पर ये पूरा दे रखा है। ठीक है ना, कि जो कंसंट्रेटेड यूरिन होती है वो किस फैक्टर की वजह से, तो यहाँ पे जो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनली लूप एंड द वासर रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम, दैट इज 300 mOsmol इन द कॉर्टेक्स टू 300 mOsmol से कितना हो जाता है 1200 mOsmol तक। ठीक है ना, इनर मेडुला में इन किडनी, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सेकंड सही हो जाएगा, आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये 163 नंबर का क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस के ऊपर है, NCERT में पेज नंबर 298 और 299 पर जाकर पढ़ लीजिएगा, पूरा हीमोडायलिसिस दे रहा है, आप वहाँ से पूरा पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 180 दे रखा है, जब आप NCERT में जाएंगे तो आपको ये पूरा जो मैंने हाईलाइट करा ये आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा 4 नंबर का। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का, इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का आंसर हो जाएगा, 103 का आंसर नंबर 2 होगा, NCERT में जब आप जाएंगे पेज नंबर 312 पर तो आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलेगा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मोस्टली केसेस में। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, 99 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, और जब आप NCERT में
321 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा भी द हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो थर्मोरेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हार्मोन वाले चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 179 को आप देखिएगा, तो यहाँ पे मैच कराया है। तो इसके लिए आपको चार जगह ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन में सबसे पहले आपको इंसुलिन जो है वो 338 पेज नंबर पर इंसुलिन का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन थायरोक्सिन वाला आपको 334 पेज नंबर पर मिल जाएगा। 336 पेज नंबर पर आपको इसका जो ऑप्शन है कॉर्टिकॉइड्स वाला वो मिल जाएगा। जो एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है जो सिक्रीशंस होते हैं उनको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये 337 पेज नंबर पर दे रखा है। लास्ट ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन वाला, ये आपको 333 पेज नंबर पर मिल जाएगा। इससे एक्रोमेगेली होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इन्होंने डायग्राम से दिया है, या फिर आप 340 पेज नंबर पर जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर 341 पर आप ये डायग्राम देख लीजिए जहाँ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। और इन्होंने यही वहाँ पर पूछा है कि 109 क्वेश्चन में आंसर नंबर 2 हो जाएगा। और इन्होंने जो बोला है बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, इन्होंने ये बोला है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो सेलुलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आप पढ़िएगा, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है ना। जैसे कि आइडोथायरोनाइन्स होता है, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो इन्होंने यहाँ बोला है देखो जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा वो किसके संग, जीन के संग। तो यहाँ पे ही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, जहाँ पे बोला गया था वाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये 11th क्लास के हमारे सारे खत्म होते हैं क्वेश्चंस। अब हम 12th क्लास के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। आप खुद भी देख लेंगे कि ना, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। और फिर मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में। तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। नीट 2019 में इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 111 नंबर का, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होता है सीड में। ये एनसीईआरटी के 16 पेज नंबर पर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर का, इसमें आपको बताना है कि जो फीमेल गैमेट डेवलप होता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फीमेल गैमेट जो है एम्ब्रियो में चेंज हो गया, इस फिनोमेना को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसका भी आंसर नंबर 4 है। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर आपको 14 पर मिल जाएगा, ये जो है हाईलाइट है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की। तो इससे भी दो क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है हमारा 142 नंबर का, ठीक है। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक तो वो फ्यूज करता है एग से, और दूसरा फ्यूज करता है जाके सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से। क्या होता है कि मेल गैमेट होते हैं वो जाते हैं और वो जो एग्स के भी न्यूक्लियस से जाके फ्यूज कर लेते हैं। ये चीज़ जो है एनसीईआरटी में लिखी हुई है पेज नंबर 34 पर। इसमें है वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, मतलब एग के न्यूक्लियस से वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, और उससे फ्यूज कर जाता है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 128 नंबर का है। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म, ये जो है एनसीईआरटी में 36 पेज नंबर पर लिखा हुआ है। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की। यहाँ पे क्या है, सिक्वेंस पूछ लिया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 एनसीईआरटी में। जब आप जाएंगे तो 43 पेज नंबर पर आप देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद जो होता है रेटिटेस्टिस, फिर बासा इफ्रेंसिया, ठीक है ना। वही चीज़ है रेटिटेस्टिस बासा इफ्रेंसिया के बाद, फिर एपिडाइडिमिस के बाद बाइस्टिफ्रेंस से होता हुआ ये जाता है जैकुलेटरी डक्ट में, जैकुलेटरी डक्ट के बाद ये जा रहा है यूरेथ्रा में चला गया, यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मीटस, ठीक है ना। आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन जो है वो है 171 एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट
बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन में स्टेज रुक जाती है, आप जानते हैं, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जब तक उसके पास स्पर्म नहीं आ जाते, फ्यूज नहीं हो जाते। तो फिर यही चीज़ है, एनसीईआरटी में भी यहाँ पे दे रखा है, 51 पेज नंबर। तो है नेक्स्ट चैप्टर में हम जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जो हमारा क्वेश्चन है 140 नंबर का है, आप देख सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिनमें रोल है हार्मोन का, तो आंसर हो जाएगा पहला लैक्टेशनल अमीनोरोइया एंड पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लैक्टेशनल अमीनोरोइया ही बोलते हैं कि जैसे क्या होता है, बेबी के बर्थ होने के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है रुक जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरीके से जो हम कह देते हैं कि मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा है, तो मतलब हार्मोन का ही रोल है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा बॉडी में सिक्रीट होता है उस टाइम। या 61 के बारे में बात करेंगे, तो 61 पेज नंबर पर आप देख रहे हैं पिल्स के बारे में वहाँ पर दे रखा है, इमरजेंसी पिल्स आपने सुना ही होगा, अनवांटेड 72। तो उसमें क्या रहता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो होता है कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, तो ये भी सब हार्मोनल है ना। तो फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर से, तो वो क्वेश्चन है सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना, जो होता है प्रोजिस्टार्ट एंड LNG20। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, 60 पेज नंबर पर जो दे रखे हैं यहाँ से, ये जो पैराग्राफ है लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है हार्मोन रिलीजिंग IUDs प्रोजिस्टार्ट एंड LNG20, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 155 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, के पूरी तरीके से क्यूरेबल कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा जेनाइटल हर्पीज, ठीक है ना। ये NCERT में पेज नंबर 63 पर आपको दे रखा है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन अदर डिसीजेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, मतलब बाकी सब डिसीज इन तीनों को छोड़कर, हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन को छोड़कर, सभी डिसीज जो हैं कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो 165 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन पेयर्स एक्सप्लेन्ड बाय, आंसर हो जाएगा थर्ड, अल्फ्रेड स्टर्टीबेंट। आप NCERT में 83 पेज नंबर पर जाकर देख लीजिए, ये दे रखा है, ठीक है ना, ये स्टूडेंट थे मॉर्गन के। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर से, तो 121 इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हाँ सही बात है, थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल बोलते हैं वर्ड को, तो वर्ड्स वगैरह के केस में क्या होता है कि मेल होगा या फीमेल प्रोजनी होगी, बच्चा मतलब जो मेल होगा या मेल होगा, ये डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर, ठीक है ना। NCERT में जब आप जाएंगे तो पेज नंबर 87 पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फीमेल वर्ड हैज़ बीन डिजिग्नेटेड टू बी ZNW क्रोमोसोम इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव वन ZNW क्रोमोसोम वेयर एज मेल हैव अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, मतलब कि ह्यूमन के केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे ही वर्ड्स के केस में मेल पर सिर्फ ऑटोसोम मतलब Z क्रोमोसोम होते हैं, मतलब फीमेल हेट्रोगेमिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है इन द केस ऑफ फाउल या वर्ड, ठीक है ना। तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत था। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर से, तो 76 नंबर का क्वेश्चन है, जो फीमेल करेक्टर्स आ जाते हैं कि जैसे कि गायनेकोमेस्टीशिया वगैरह, और स्टेराइल होता है मेल, तो ये किस में होता है, ये होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। NCERT में पेज नंबर आप जाएंगे 92 पर, तो यहाँ पर दे रखा है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब कि गायनेकोमेस्टीशिया, ठीक है ना, सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन जो दे रखी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से है क्वेश्चन। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 147 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो स्नैपड्रैगन वाला पूरा केस दे रखा है, स्नैपड्रैगन किसको बोला जाता है, डॉग फ्लावर को। NCERT ने दे रखा है एंटीरिनियम मेजर्स, ठीक है ना, डॉग फ्लावर। तो इसमें क्या होता है कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में तो पिंक मिलते हैं, ठीक है ना। जब पिंक फ्लावर का सेल्फ क्रॉस करा जाता है तो F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलता है 1:1 का मिलता है, जिसमें रेड 1 होता है, व्हाइट 1 होता है, पिंक 2 होते हैं, ठीक है ना। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला ऑप्शन है दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सही बात है, ये डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर, अगर आपने रेड और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया, अगर रेड डोमिनेंट है तो रेड को शो करना चाहिए, व्हाइट डोमिनेंट है तो व्हाइट को शो करना चाहिए, लेकिन डोमिनेंस ही यहां पे शो नहीं हो रही, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, ठीक है ना, दोनों के दोनों एलील मिक्स हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। पिंक कलर इज
इन F1 इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। रेशियो ऑफ F2 आपको पता ही है, रेशियो 1:1 का आता है। ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल गलत बात है। लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है ना वो यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। ये देखिए आप NCERT में ये जो है पेज नंबर 76 पर ये दे रखा है, पूरा इसको पढ़ लीजिए, आपको यहाँ से आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 129 नंबर का क्वेश्चन है। तो 129 क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको ये जाना पड़ेगा आपको 83 पेज नंबर पर और 84 पेज नंबर पर, जहाँ पर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में दे रखा है, और उसके जो अगले पेज पर पूरा का पूरा उन्होंने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। तो इसमें 115 नंबर का क्वेश्चन है, प्यूरिंस फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA आर प्यूरिंस कौन सी होती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका एडिनिन एंड ग्वेनिन, ठीक है ना। जब आप NCERT में जाएंगे तो NCERT में 96 पेज नंबर पर प्यूरिन लिख रखे हैं एडिनिन एंड ग्वेनिन। AG से याद रखिए, मेरा नाम भी अभय गुप्ता है, तो आप AG से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 154 क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाई द रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, 154 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ये NCERT के आप पेज नंबर 112 पर जाएंगे तो यहाँ पे दे रखा है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। मतलब उन्होंने वहाँ पे बर्ड क्या दे दिया, उन्होंने इंसुलिन लगा दिया, लेकिन है क्या बैक्टीरिया टू ह्यूमन। और वहाँ भी वही हो रहा है कि बैक्टीरिया से ह्यूमन की इंसुलिन की जो है प्रोडक्टिविटी एकदम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये वहाँ पर क्या कहते हैं फॉर्मेशन होता है। तो मतलब यही चीज़ है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, नियरली यूनिवर्सल डायरेक्ट पॉइंट उठा के दे दिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 158 क्वेश्चन नंबर है, एक्सप्रेस सिक्वेंस टैग रिफर्स टू। तो ये जो होता है जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA, ये आप जब NCERT में जाएंगे पेज नंबर 119 पर, जब आप 119 पर देखेंगे तो जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA रिफर टू एज EST आपको दिख गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बारे में बात करेंगे, तो मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ऑपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स IZA1, ये आपको पता ही होगा। आप NCERT में इस क्वेश्चन को जो है 116 पेज नंबर पर जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उठा के इन्होंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ऐसे इसको नहीं कर पाएंगे। 172 क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 112 पेज पर ही, जो लास्ट में दे रखा है कि अगर आपको जैसे सीक्वेंस दे दिया, ठीक है ना, तो आपको उसकी क्या कहते हैं कि अमीनो एसिड किस कोड के होंगे या फिर mRNA में क्या होगा, तो और ये और आपको पूरा ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो NCERT में 114 पेज नंबर पर दे रखा है। अगर आप इतना कर पाएंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन, और यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो हमारा 117 आया है, और इसमें जो है कि क्या कहते हैं जो ब्रेन साइज है उसको पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। NCERT में आप जाएंगे तो पेज नंबर 140 पर जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन दे रखा है, इसमें पूरा दे रखा है सबके बारे में, सबकी ब्रेन कैपेसिटी वगैरह सब कुछ दे रखा है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 141 पर नियंडरथैलिस मैन की दे रखी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 118 क्वेश्चन की, वो भी यहाँ से, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन आर प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डीवीडीज आर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ठीक है ना। जब आप NCERT 135 पर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ये ह्यूगो डीवीडीज ने बोला था। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है 151 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल तो नहीं, इसको आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है NCERT में पेज नंबर 137 पर, NCERT में पेज नंबर 137 पर जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का ये जो दे रखे हैं फॉर्मूलाज कि पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ऐसे, है ना। और प्रोबेबिलिटीज हम देखते हैं पी स्क्वायर से देखते हैं या ए से देखते हैं, क्यू स्क्वायर से या 2PQ, मतलब ये पूरा जो इक्वेशन होती है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर की, उससे ये सब निकालते हैं हम, ठीक है ना। जैसे ये दे दिया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो दे दिया इसका, है ना, इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा,
आपको क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक जीन तू दो अलील दे दिए, ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, मतलब जो बड़ा वाला कैपिटल ए है उसकी 0.4 है, देन बट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो देखो हेटरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, तो आपसे सबकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमने देख लिया कि टोटल फ्रीक्वेंसी 1 होती है, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने हमसे मान लिया कैपिटल ए का 0.4 दे रखा है, तो स्मॉल ए का हो जाएगा 0.6, ठीक है ना। हमने सेम यही पी क्यू लेके सॉल्व कर लिया, जैसे पी की दे दी इन्होंने 0.4, क्यू की हो गई 0.6, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल के लिए हमने क्या किया, पी स्क्वायर किया, तो 0.16 आ गई, ये आएगी कैपिटल ए की, क्योंकि कैपिटल ए की दे रखी है 0.4, 0.4 का स्क्वायर करेंगे 0.16 आ जाएगी कैपिटल ए, कैपिटल ए की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्मॉल स्मॉल ए की, जब स्मॉल ए 0.6 हमारा आया, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा ए ए स्मॉल ए स्मॉल ए। जब हम देखेंगे हेटरोजाइगस इंडिविजुअल, तो हमने बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन से जैसे 2PQ आएगी, तो 2 × P × Q करेंगे 0.48, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको जो फॉर्मूला इन्होंने यूज करवा लिया जो हार्डी बेनबर्ग प्रिंसिपल में दे रखा है एनसीईआरटी में पेज नंबर 137 पर, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तो रटा हुआ क्वेश्चन है कि फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आपको इसको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। इसमें पहले मैं आपको बताऊं ये एनसीईआरटी में कहां से, ये 136 नंबर पर जो डायग्राम दे रखा है कि क्या कहते हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन के दे रखा है स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव वाला जो ग्राफ है ना, इनका ही क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 92, कोलोस्टम आप पता है मदर का पहला मिल्क होता है, उसको हम कोलोस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, IgA एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है, ठीक है ना। तो ये NCERT में पेज नंबर 152 पर दे रखा है, येलो फ्लूड कोलोस्टम सिक्रेटेड बाई मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाई, आंसर हो जाएगा एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है ना। जब आप जाएंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 158 पर, तो यहां साफ साफ लिखा है हीरोइन जिसको बोलते हैं स्मैक भी कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज ऑप्टेन बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है ना। आप डायग्राम इस बार देखिए, शायद इन डायग्राम में से एक डायग्राम आपको आ जाए नीट में, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, हाँ सही बात है, ये जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, आप पढ़ सकते हैं 151 पेज नंबर पर। 175 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो टाइफाइड होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एनसीईआरटी में इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूं 4 है। एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे तो साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफाइड फीवर, ठीक है ना। और लास्ट लाइन आप देखेंगे टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाई, तो इसका जो टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट, इसके नेक्स्ट पेज पर ये दे रखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ से आया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे थर्ड वाला है, इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे 167 पेज नंबर पर, तो इनका जो पहला ऑप्शन था इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, तो देखो ये जो पहला ही पॉइंट जहाँ मैंने हाईलाइट किया इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी ये है ना, दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनिमल, तो ये जो होता है सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चन जो नीट में आया है वो, ठीक है ना। फिर आप देखिए लिखा है इसका अगला, इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, इट आल्सो हेल्प इन एक्यूमेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, तो ये लेस डिजायरेबल जीन वाला ये फोर्थ ऑप्शन था, लेकिन थर्ड ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि हार्मफुल इनब्रीडिंग सिलेक्ट करता है, जबकि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन एंड आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, मतलब उनको एलिमिनेट करता है, और जबकि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन जो है गलत है बिल्कुल, और यही हमारा आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पहुंच जाएंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आए थे इस साल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टैटिन डायरेक्ट लाइन दे रखी है, आप एनसीईआरटी में पेज नंबर पहुंच जाइए क्या कहते हैं 183 पर। जब आप 183 पर पहुंच जाएंगे तो साफ साफ लिखा है स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कर
मोनास्कस परप्यूरियस हैज बीन कॉमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बायो कंट्रोल आपसे एजेंट पूछे गए हैं और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड वाला, ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस एंड बीटी बैसिलस थुरिंजियेंसिस। आप एनसीईआरटी में इस पेज पर आप देखिए कि जो क्या कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट है, आपको पहले बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजियेंसिस दिया हुआ है, देखिए जहाँ मैंने सबसे ऊपर हाईलाइट किया है। ठीक है ना, फिर जहाँ पे मैंने जो लास्ट पैराग्राफ आपको दिख रहा है अ बायो कंट्रोल विंग डेवलप्ड, तो यहाँ देखो आपको ट्राइकोडर्मा भी दे रखा है और जब आप नीचे जाएंगे तो आपको बैक्यूलोवायरस भी दे रखा है। ठीक है ना, यही हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे 125 क्वेश्चन नंबर पे आप पहुंचेंगे। ठीक है ना, 125 क्वेश्चन जो है आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो लैक्टोबैसिलस सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई एस्परजिलस नाइगर एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर तो पेज नंबर आपको 181 पर लैक्टोबैसिलस के बारे में मिलेगा कि कर्ड मेकिंग में आता है, उसके बाद आपको 182 पर मिलेगा और 182 पर आपको जो मिलेगा आप देखिए कि जो सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई है ब्रेड मेकिंग में। ठीक है ना, थर्ड आपको जब आप देखेंगे एस्परजिलस नाइगर, इसका नेक्स्ट पेज है, इस पर आप देखेंगे तो ये सिट्रिक एसिड के लिए और एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम एसिटिक एसिड के लिए। तो ये चारों आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 169, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। ठीक है ना, जब आप फिर से 187 पेज नंबर पर जाएंगे तो यहां पर दे रखा है ट्राइकोडर्मा ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंगाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट्स पैथोजन। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 174, भाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजियेंसिस इन बॉलवॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ये भी आपको 187 क्वेश्चन नंबर पर मिलेगा, जहां बीच में मैंने हाईलाइट कर रखा है इन द गट ऑफ द लार्वी द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वी गेट किल्ड। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो पहला क्वेश्चन है 113 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला फोर है बायो रिएक्टर। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे पेज नंबर 204 पर तो यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122, ठीक है, डीएनए प्रेसिपिटेशन ऑफ आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा दो, इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड इथेनॉल। जब एनसीईआरटी में आप 201 पेज पर जाएंगे ये लाइन दे रखी है, डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। ठीक है ना, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145 पर। ठीक है ना, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, आपको सारे के सारे स्टेटमेंट 196 पेज नंबर पर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी स्टेटमेंट हैं ये आपको 196 पेज नंबर पर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनकरेक्ट वाला है वो आप देखिए, यहाँ जो सेकंड लाइन है जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, इट विल बाइंड टू द डीएनए कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स, दोनों स्ट्रैंड को ये कट करता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप सेकंड देखिए वो क्या कह रहा है, द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, नहीं दोनों स्ट्रैंड कट करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन भी आप इस जगह पे चेक कर सकते हैं, सब दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 152 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर से है बाय टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। ये आप देखिए एनसीईआरटी में 208 पेज नंबर पर जहां मैंने जो किया है, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड एग्जांपल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए इनरिच्ड राइस। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम, यहाँ क्वेश्चन नंबर 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। अरे तो इसमें डायरेक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। ठीक है, आप जब पेज नंबर 249 पर जाएंगे तो ये लाइन दे रखी है। ठीक है ना, ये हो गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है अगले चैप्टर से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे। पहला 91, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ये आपको एनसीईआरटी में 267 पेज नंबर पर मिलेगा, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 98 क्वेश्चन है, ये 264 पेज नंबर पर इसका आंसर दे रखा है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ड्राइवन टू एक्सटेंशन, तो आप देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटेंशन, डायरेक्ट दे दिया उठा के। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ से भी चार पाँच क्वेश्चन आए हैं
एनवायरमेंटल इशू से, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 102 क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम दे रखा है 281 पेज नंबर पर, यहाँ आप देख लीजिए किसका कंपोजिशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का, 60% और 20% 80%। तो यही दोनों रखते हैं वेटेज, ठीक है ना। इसमें आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हाईलाइट भी कर रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इनसीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में से कौन सा नहीं है एग्जांपल। तो आप देख लीजिए पेज नंबर 267 पर जाकर XC2 में जूलॉजिकल पार्क बॉटनिकल गार्डन आते हैं। जब बॉटनिकल गार्डन XC2 में दे रखा है तो इनसीटू में हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर द रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ CFC इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर 283 पर, तो यहाँ पर दे रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मैंने हाईलाइट किया, फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पॉलीब्लेंड ऑफ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक है प्रूव टू बी गुड मटेरियल फॉर। तो आंसर इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है ना, थर्ड आंसर इसका सही है। आप एनसीईआरटी में 279 पेज नंबर पर जाकर देख सकते हैं, पॉलीब्लेंड ऑफ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। ये स्टोरी है, इस साल मुझे लग रहा है नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है इसका, कि ये जो रोड बनाने का काम या जो प्लास्टिक खरीदना वगैरह ये सब किसने किया था, अहमद खान ने किया था, ठीक है ना, और ये इन्होंने ही रोड बिछाई थी, ये यहीं से आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे जो एनसीईआरटी से मैथ थे, ठीक है ना। विच ऑफ दिस फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। आंसर हो जाएगा 178 का 4। जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 280 पर ये दे रखा है, इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशियंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इन सुटेबली सील्डेड कंटेनर्स बरीड विद इन द रॉक्स। देखो यहाँ दे रखा है बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 5 meters डीप बिलो द अर्थ सर्फेस, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं एनसीईआरटी से। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अब 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है, एक 164 नंबर का, एक 94 नंबर का। तो 164 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन द आई, ठीक। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ अ सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एस, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा पी एंड क्यू आर्म, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताऊं, शॉर्टर आर्म को यहाँ पे बोलते हैं हम पी और लॉन्गर आर्म को बोलते हैं क्यू। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, आप बैक ईयर के क्वेश्चन करिए लगभग पिछले 20-25 सालों के, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और ये जो पी एंड क्यू आर्म वाला है, ये जो एनसीईआरटी आती थी 2005 या 2003 एडिशन वाली, या उससे पहले की जो एनसीईआरटी थी, बहुत मोटी होती थी एनसीईआरटी पहले, तो उस एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन दे रखी है। ऐसे ही कॉर्निया जब आई वहाँ पे दे रखा है तो डायरेक्ट लाइन वहाँ दे रखी है। लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है उसमें क्या है कि आई के बारे में सिर्फ दे रखा है कि एक्सटर्नल लेयर है, या बस उससे भी एक लाइन दे के उसको ख़त्म कर दिया टॉपिक को, है ना। तो आउट क्वेश्चन के लिए आप कुछ मत करिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अच्छे से एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए, कि एक लाइन आपको रट जाए, मतलब आप एनसीईआरटी को पढ़ने बैठो तो ये हो जाए टाइम कि एक घंटे में पूरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज मार दे रहे हो, ठीक है ना। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करिए, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन करिए। हाँ, बैक ईयर्स के आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हुए नहीं है, तो आप उनको क्या करिए, जैसे मान लीजिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिला, कोई पॉइंट आपको मिला कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो आपके उसके या तो आपके पास टाइम है तो आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ डालिए, अदरवाइज आप क्या करिए वो पॉइंट बना के अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लीजिए, आपने नोट्स बना के नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ रिकमेंड एनसीईआरटी कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया बिल्कुल बाकायदा विद क्वेश्चंस की, 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं नीट 2019 में, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए, और है ना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।